वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैक्सवेल स्टडी हब। तो आज अब आफ्टर नोइंग अबाउट द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सारा काम अभी माइक्रोब्स की हेल्प से होने वाला है। और चैप्टर, इस पूरे चैप्टर के स्टार कौन है? माइक्रोब्स। अब डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स को देखेंगे और उनको इंडस्ट्रियली अप्लाई कैसे किया गया वो देखेंगे, और लार्ज स्केल पे कैसे उनको यूज़ किया जाता है वो देखने वाले। तो फर्स्ट हम जो देखने वाले हैं वो है डेयरी प्रोडक्ट्स। और ये पीपीटी की शुरुआत में आपको बता दूं, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस पीपीटी बिकॉज बहुत सारी कलरफुल पिक्चर आएंगी। एंड यस, मोर देन अंडरस्टैंडिंग, और बोलते हैं ना, एक एक्सप्लेनेशन तो आप समझोगे ही, बट यस, आपके मन में एक बहुत लालच भी आएगा बिकॉज बहुत सारी अच्छे अच्छे खाने के पिक्चर्स हैं। सो यू आर गोइंग टू एंजॉय, सो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। तो डेयरी प्रोडक्ट्स, अभी डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो लास्ट ईयर लैक्टोबैसिलस करके कुछ तो सीखा था। लैक्टोबैसिलस में ये देखा था कि एनारोबिक फर्मेंटेशन हो रहा था। एनारोबिक फर्मेंटेशन जब मैंने आपको अभी भी इसी साल जब मैंने 10th में आपको पढ़ाया एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक, तो एनारोबिक में मैंने बताया था कि दो टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड ईस्ट का जो हमने किया था दैट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन था उसमें लैक्टोज जो मिल्क में थी वो ब्रेक होती थी और बनती थी लैक्टिक एसिड। ड्यू टू दिस मिल्क का टेस्ट और उसकी टेक्सचर चेंज हो जाती थी। ये हमें पता है, ये हमें माइक्रोब्स की मतलब लैक्टोबैसिलस की ये क्वालिटी हमको पता है, बट अभी लार्ज प्रोडक्शन पे इसको लेकर जाना है और हर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने हैं। और आज से ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट्स आज से नहीं बन रहे, बहुत पहले से इंसिडेंट टाइम से बन रहे। वी ऑल नो अबाउट दूध से दही को बनाना, बटर, घी, ये सब हमने किए हैं। बट अब ये जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, जैसे जैसे हमने अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रोब्स को समझा, तो हमें समझा कि वो जो एक चम्मच मम्मी दही का, दही जमाने से पहले जो मम्मी एक चम्मच दही उसमें डालती थी शुरुआत में लुकवॉर्म दूध में, उसको इट इज़ ऑल बिकॉज दैट एक चम्मच दही इज़ नथिंग बट दी कल्चर, और आई कैन से लैक्टोबैसिलस हैं वो, जो ऑलरेडी एक स्टेज में है, जो नए जब आप गुनगुने दूध में डाल देते हैं तो वो आगे चल के अंदर जब वो आप माइक्रोब्स उस नए उस गुनगुने दूध में डालते हैं तो उससे क्या होता है, ये लैक्टोबैसिलस जाके वहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट सब चेंज हो जाता है और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद दूध से दही जम जाता है। इन मराठी इट इज विरजण लावा, दैट इन हिंदी वी से जामन, जामन डालते हैं, बट इन मराठी इट इज त्याला काय म्हणतात, विरजण लावायला म्हणतात। तो दैट इज समथिंग विट इज डेयरी प्रोडक्ट। नाउ अभी डेयरी प्रोडक्ट में भी Which different microbes, these are the question from your textbook. Which different microbes are useful to us? Which different products can be produced with the help of microbes? 9th class pakka yaad aayi hogi. Ab which different microbes, kaun kaun se microbes the? Lactobacillus yaad aaya, rhizobium yaad aaya, aur kya tha, yeast yaad aaya bread mein, to ye microbes the. Which different products, आई कैन से दूध, दही, योगर्ट, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स ले लिए, ब्रेड, वाइन प्रोडक्शन, सब कुछ इसमें आ गया। वी यूज द फर्मेंटेशन प्रोसेस वाइल कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, यस फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन हम यूज करते थे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम यूज करते थे। विच माइक्रोब्स आर यूजफुल फॉर दिस पर्पस, आंसर दीजिए, कुछ याद आया? ओके, so the answer is this structure, that is lactobacilli. Now अब मैंने आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया और हम बहुत क्लियर हैं अपने बेसिक को लेकर कि कल्चर होगा, मतलब कल्चर आई कैन से वो माइक्रोब्स हम कौन सा यूज करने वाले, लैक्टोबैसिलस पाथवे, मतलब कौन सा पाथवे फॉलो करने वाले हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दैट इज नोन एज
ऑल टुगेदर फर्मेंटेशन, मतलब लैक्टोबैसिलस होगा, फर्मेंटेशन होगा, दूध से में जो लैक्टोज है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, ये हमें पता है, ये हम अपनी 9th class में सीख कर आए हैं। बट 10th में हम क्या सीख रहे हैं, इसको लार्ज स्केल पे कैसे लेकर जाएं, अब होममेड से इंडस्ट्री में जाना है, ये आपकी पूरी जर्नी है इस चैप्टर में। तो अब डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये, इसमें आप बच्चों एक बात ध्यान रख लो, तीन स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पाश्चराइजेशन क्या होता है बच्चों, दूध को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करना कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए, एंड देन उसको ठंडा करना। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स जो दूध में प्रेजेंट होते हैं वो किल हो, मतलब वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप मिल्क की शेल्फ लाइफ और आई कैन से स्टेबिलिटी, और अगर इतने दो वर्ड से बहुत डिफिकल्ट है तो समझ जाओ उसको यूज़ करने का, मतलब उसकी ज़्यादा उसकी स्टोरेज आप देखिए, जो आप जैसे आप जो टेट्रा पैक और ये सब आप दूध का लेके आते हो बाहर से, दैट ऑल मिल्क, सारा मिल्क जो है वो पाश्चराइज्ड होता है। क्यों? जैसे ही उसके हार्मफुल माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय कर दोगे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा समय तक के लिए रखा जा सकता है। तो पाश्चराइजेशन को अभी इतना ही समझो कि टेम्परेचर से उसको एक टेम्परेचर पर वार्म करना और ठंडा करना कुछ टाइम के लिए, कुछ अंतराल के लिए, सो दैट शेल्फ लाइफ मिल्क की बढ़े। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ये स्टेप कॉमन है क्योंकि होना ही चाहिए, जब मिल्क आपके पास आएगा तो उसके सबसे पहले आप क्या करोगे, उसकी क्वालिटी देखोगे ना बच्चों, कि माइक्रोब इसमें कैसे माइक्रोब्स हैं, इनकी क्वालिटी एक ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब देख के पता चलेगा, फिर कुछ क्वालिटी कुछ केमिकल टेस्ट किए जाएंगे, फिर माइक्रो के टेस्ट किए जाएंगे, फिर हम दूध को पास करेंगे कि यस यू कैन गो फॉर अब आगे चल के डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ बटर घी ये सब कुछ का बेस क्या है, किससे बने हुए हैं? मिल्क से बने हुए हैं। तो अगर आपने मिल्क ही नहीं अच्छा यूज़ किया तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे मिलेंगे आपको? तो इसीलिए सबसे इनिशियल स्टेज होती है उस मिल्क को एक क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी के लिए उसको उसकी क्वालिटी टेस्ट को करना, कि भाई पहले अश्योरिटी ले लो कि मिल्क जो आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छा है कि नहीं, तभी डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे आएंगे। तो पहला ये हो गया, जब ये हो गया तो सेकेंड स्टेज होती है फर्मेंटेशन विद दी लैक्टोबैसिलस, और ये क्या करेगा, लैक्टोज को किसमें करेगा, लैक्टिक एसिड टेक्सचर और ये, एंड डिपेंडिंग अपॉन दी व्हाट यू वांट टू मेक, वेदर यू वांट टू मेक चीज बटर और योगर्ट, इट ऑल द प्रोसेस विल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट ये तीनों चीज़ें उसमें आएंगी। एंड देन कंपाउंड्स विद टेस्ट एंड फ्लेवर्स आर एडेड, तो कुछ फ्लेवर और टेस्ट के लिए फ्लेवर ऐड किए जाएंगे। एंड फॉर एग्जांपल उसका एग्जांपल है डाई एसिटाइल विच हैज़ द टेस्ट ऑफ बटर। सो दिस इज द बेसिक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले क्या हो रहा है, पाश्चराइजेशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, फिर फर्मेंटेशन करवानी है क्योंकि लैक्टोज से लैक्टिक एसिड करवाना है, एंड देन कंपाउंड्स ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर। सो लेट्स मूव अहेड। आई हैव यूज्ड द टर्म लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का इसको ऐड करने की जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं इनोक्युलेंट। क्या बोलते हैं? इनोक्युलेंट। वी यू कैन सी द अपर वन इज योगर्ट, द लोअर वन इज दही। डोंट गेट कन्फ्यूज, योगर्ट एंड दही आर डिफरेंट, कर्ड इज डिफरेंट। तो ये शी इज एडिंग, शी इज गोइंग टू टेक दिस एंड शी इज गोइंग टू एड इन, अभी उसको आगे चलकर दही और दिस विल एक्ट एज अ जामुन, और आई कैन से इन मराठी इट इज विरजण। सो दिस इज द विरजण, और आई कैन से जामन फॉर दी कमी। अभी नया जो मिल्क है उसको क्या करेंगे? एंड हैया, हमेशा आपने देखा होगा घर में ही, जब मम्मी दही के लिए इसको दही के लिए दूध को तो हल्का सा गर्म करती है, तो क्या तुरंत गर्म करने के बाद ही उसमें ये टेबलस्पून डाल देगी? नहीं डालेगी ना। क्यों मैम मम्मी नहीं डालती? बिकॉज
बहुत ज़्यादा गर्म अगर वार्म टेम्परेचर रहा उस दूध का, तो ये सारा ये सब क्या है, ये दीज आर दी लैक्टोबैसिलस, तो क्या हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे और फिर दही नहीं जमती। तो इसीलिए थोड़ा हल्का वार्म टेम्परेचर पे जब हो, मतलब फॉर एग्जांपल लुक वार्म, और आई कैन से थोड़ा गुनगुना इन हिंदी भी से, जैसे वो दूध उस टेम्परेचर पे पहुंचता है, देन यू ऐड दिस। आफ्टर दैट सम टाइम जैसे जैसे वो ग्रोथ होगी, एक टेक्सचर आएगा, प्रोटीन का कॉगुलेशन हो जाएगा, वाटर कंटेंट और सब कुछ चेंज हो जाएगा मिल्क का, और दूध किस रूप में आ जाएगा, इस रूप में। अंडरस्टूड? सो दिस बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का इंट्रोडक्शन उस दूध में इज नोन एज इनोकुलेंट इंट्रोडक्शन। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद नाउ इनोकुलेंट। तो लैक्टोबैसिलस क्या है आपका? इनोकुलेंट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट लैक्टोबैसिलस इज गोइंग टू डू। दिस इज द लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस फर्मेंटेड मिल्क ऐसा दिखता है जब जमने की अवस्था में पहुंच रहा है, एंड एट द एंड आफ्टर सर्टन पीरियड ये ऐसा दिखेगा। सो लैक्टोबैसिलस गोइंग टू कन्वर्ट द लैक्टोज द शुगर इन द मिल्क इन टू द लैक्टिक एसिड दैट इज नोन एज फर्मेंटेशन। इट्स अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। As a result, the pH of milk decreases, causing the coagulation of milk protein. Thus, the milk proteins are separated from the other constituents of the milk. तो जो coagulation हो, इकट्ठा हो जाना, and the low pH destroy the harmful microbes present in the milk. When I have read this line, you must आपके दिमाग में एक और word आया होगा probiotics का। Yes. So जो low pH है, जो lactic acid के कारण अब जो दूध में जो दही में आया है वो, उससे क्या होगा, जो harmful microbes है वो destroy हो जाते हैं। Now let's start with चीज़ प्रोडक्शन। अभी ये सब कुछ पता चल गया, इनोकुलेंट पता चल गया, लैक्टोबैसिलस है वो पता चल गया, फर्मेंटेशन है सब कुछ अब पता है। पाश्चराइजेशन क्यों कर रहे थे? क्योंकि मिल्क की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। अब आते हैं चीज़ प्रोडक्शन में, एंड आई थिंक यू ऑल लाइक, मेजॉरिटी ऑफ यू विल लाइक चीज़। सो नाउ व्हाट इज चीज़? चीज़ को कैसे कहते? चीज़ इज प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द अबंडेंटली अवेलेबल काउज मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो काऊ की जो गाय का दूध है उससे बनता है, एंड या डिफरेंट अदर थिंग अदर एनिमल्स, मतलब लाइक बफेलो एंड गोट, उनसे भी बनता है। फर्स्ट केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म। व्हाई टू डू दैट? बिकॉज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भाई मिल्क की क्वालिटी कैसी है। अगर मिल्क की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो डोंट यू थिंक उसके प्रोडक्ट्स क्या का हाल होगा। तो इसीलिए पहले मिल्क को हम चेक करेंगे कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद ही वी विल प्रोसीड। नाउ सम कलर्स एंड माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टस लैक्टोबैसिलस सिरिमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आर मिक्सड विथ मिल्क। सो दे आर नथिंग बट दे आर द इनोकुलेंट। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बोलूँ, एग्जाम में जब आप इनको लिखोगे नाम, तो ऐसा ही लिखना है बट अंडरलाइन कर देना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम को हमेशा अंडरलाइन कर देना। सो इट विल गिव अ इम्पैक्ट टू योर एग्जामिनर ऑल्सो कि यू नो थिंग्स, यू नो द बेसिक्स। तो ऐसे ही लिखना है, इधर जो नाम है ये जो ये फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, हियर इट विल बी स्मॉल, देर शुड बी अ गैप, एंड येस दे शुड बी अंडरलाइंड। नाउ इट इम्पार्ट सारनेस टू द मिल्क। तो इससे क्या आएगा, हल्का सा अब मिल्क जो है चेंज हो रहा है, शुगर से वो एसिडिक कंडीशन में पहुंचेगा तो सारनेस आएगी। आफ्टर दिस टू इम्पार्ट द डेंस टेक्सचर वे नीड्स टू बी रिमूव। वे क्या है? जब आप दूध से दही बना रहे थे बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये वाले स्ट्रक्चर में, इफ यू कैन सी हल्का सा यहाँ पे ना, इट ऑल डिपेंड्स इसके यहाँ पे ना प्रॉपर फर्मेंटेशन कैसी हुई है। कभी कभार थोड़ी से भी इम्प्रॉपर फर्मेंटेशन या ड्यू टू अदर फैक्टर्स ऑल्सो यहाँ पे क्या होगा, हल्का सा पानी दिखने लगता है। देखो यहाँ पे पानी हल्का सा
वाटर दिखता है, वो वाटर को आपको निकालना है, बिकॉज अल्टीमेटली आगे चलकर वो डिस्टर्ब करेगा, अभी चीज़ कैसी है, उसमें पानी कैसा, अच्छा नहीं दिखेगा, उसका टेक्सचर कैसा हो जाएगा, एंड यस चीज़ की सेल्फ लाइफ भी ख़राब होगी, एंड इट विल बी वो चीज़ ससेप्टेबल होगा इन ऑर्डर टू डिग्रेड जल्दी. तो वो जो वाटर कंटेंट है वो निकालना है, नॉट ओनली फॉर टेक्सचर बट ऑल्सो फॉर उसकी स्टेबिलिटी के लिए, एक उसको एक अच्छा टेक्सचर भी मिलेगा. सो आफ्टर दिस एक डेंस स्ट्रक्चर, मतलब एक गठा हुआ एक स्ट्रक्चर पाने के लिए उसके वे वाटर इन योगर्ट नीड्स टू बी रिमूव. नाउ एन एंजाइम रेनेट ऑब्टेन फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल ऑफ कैटल वॉज बींग ट्रेडिशनली यूज अर्लियर, पहले ये यूज करते थे, एंड यस उससे क्या होता था कि मैनी वेजिटेरियन पीपल डू नॉट, वो नहीं करते, उसको नहीं खाते थे ऐसी चीज को. सो दैट्स वाई हाउ एवर एन एंजाइम प्रोटीज ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई इज यूज इन द प्रेजेंट टू प्रोड्यूस अ वेजिटेरियन. तो वेजिटेरियन चीज क्या, वेजिटेरियन चीज अगर आपको कोई बोलेगा तो आप समझ जाना कि उसमें कौन सा एंजाइम यूज किया है, प्रोटीज. ओके नाउ दिस वे इज सेपरेटेड फ्रॉम द योगर्ट, दिस वे द वे इज सेपरेटेड, उसको वे को सेपरेट करेंगे ताकि टेक्सचर मिले. सो आपकी चीज कुछ ऐसी दिखेगी. नाउ देन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज इज स्टार्टेड थ्रू द स्टेप्स लाइक, देखो पहले दूध को गर्म करने की जो प्रक्रिया थी वहां से स्टार्ट हुआ, फिर पाश्चराइजेशन वो सब देख लिया, फिर इनोकुलिन डाला, फिर एंजाइम डाला, ये बात मत भूलना. मिल्क की क्वालिटी चेक करो, उसको पाश्चराइज कर लो, उसके बाद उसको क्या कर लो, उसमें इनोकुलिन डाल दो, फिर उसमें क्या कर दो, एंजाइम डाल दो, एंड देन आगे की प्रोसेस, फिर उसकी कटिंग सॉल्टिंग और ये सब होगी. सो ये एग्जाम में लिखने के लिए क्या करना है आपको, आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है कि पहले क्या यूज़ किया, फिर सेकेंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए गए हैं. देन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज़ इज स्टार्टेड थ्रू द स्टेप्स लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, मतलब मोल्ड में एक शेप आएगा. अब हर कंपनी के एक अपने अपने एक मोल्ड होते होंगे जिसको अच्छे से वो शेप बनाते हैं. वॉशिंग, वॉशिंग से क्या होगा, टेक्सचर अच्छा करेंगे, एक्स्ट्रा वे योगर्ट जो वो पानी का है वो निकालेंगे. रबिंग, सॉल्टिंग क्यों करेंगे, सॉल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अभी कमिंग स्लाइड्स में हम देखते हैं कि सॉल्टिंग क्यों करते हैं. मिक्सिंग ऑफ एसेंशियल माइक्रोब्स डालेंगे ताकि आगे चल के प्रोडक्ट जो चीज़ प्रोडक्ट है उसको एक प्रिजर्वेटिव भी मिले, उसको एक अच्छा एक ग्रोथ रहे उसकी. पिगमेंट्स एंड फ्लेवर डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा है वो. And then cheese is pressed and cut into the piece and stored for ripening. Ripening क्या है बच्चों, देखो जो simple जो soft cheese होता है जैसे for example mozzarella, उसको ripening के लिए मतलब 3 to 12 months जब ripening के लिए रखते हैं तो cheddar cheese बनता है, मतलब थोड़ा semi hard. उसके बाद फिर 12 से 18 महीने और उसको राइपनिंग के लिए रखोगे तो हार्ड चीज़ बनता है. तो ये जो तीन टाइप के जो अलग अलग चीज़ बनते जाते हैं उससे क्या होता है, उसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है राइपनिंग, डिपेंड करता है कि आपको कैसा, कौन से थ्री टाइप के चीज़ हो गए, सॉफ्ट चीज़, सेमी हार्ड एंड टोटली बहुत ज़्यादा हार्ड. सो दीज आर दी स्टेप्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड Why salting is important. Regulating the microbial growth. जाहिर सी बात है मुझे unwanted microbes मेरी चीज़ में नहीं चाहिए, तो एक salt से क्या होगा, preservation होगा. Encouraging the moisture loss. Salt क्या कर लेगा, absorb कर लेगा microbes, water. तो जैसे वो water कर लेगा तो बाहर के microbes उस पर attack नहीं करेंगे. Altering the texture. प्रोटीन कंटेंट, वाटर आपने निकाल दिया तो टेक्सचर भी बहुत अच्छा होगा चीज़ का, एंड यस एनहेंसिंग द फ्लेवर. सो नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ चीज़ हाउ यू पीपल लाइक. सम पीपल ऐसे ही खाते हो आप लोग, तो ये बच्चे लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं. सो विथ अ क्वेश्चन, विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ आर यूज इन वेस्टर्न फूड्स लाइक पिज्ज़ा, बर्गर एंड सैंडविच. What is the difference between those type of genes?
सो आई कैन से दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज. आई नो यू ऑल, अब आपके सबके सामने एक इमेज आ गई होगी ये सारे पिज्जा की आपके सामने रखा हुआ है. सो मोजरेला, परमेसन, रिकॉटा, फेटा, ब्लू वेन जीन, चेडार, गौडा, गोडा, कॉटेज चीज, गोड चीज एंड हॉलमी. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चीज विच एक्चुअली यूज. अमंग दैट मोजरेला इज सॉफ्ट चीज, चेडार इज सेमी हार्ड एंड परमेसन इज हार्ड. हाँ, तो तीन स्टेज है. और ये तीन स्टेज क्यों अचीव हुए होंगे इन डिफरेंट टाइप ऑफ चीज? बिकॉज ऑफ द राइपनिंग प्रोसेस. उसको ज्यादा पहले क्या था, मोजरेला. मोजरेला मतलब सॉफ्ट. सॉफ्ट मोजरेला पता है कहाँ यूज करते हो? जो घिस के डालते हैं ना इसके ऊपर, आफ्टर दैट जब आप उसको ओवन में रखते हो तो एक ऐसा एक स्टक मेल्ट हो जाती है, और ऐसा ही एक जब आप उसको खींचते हो तो ऐसा एक टेक्सचर आता है, स्टिकी हो जाती है, तो वो मोजरेला चीज है. सॉफ्ट. उसके बाद उसको थोड़ा रैपनिंग के लिए जब ही रखा 13 से 12 महीने के लिए, तो बन गई चेडार चीज, सेमी हार्ड. फिर लास्ट में 12 से 18 महीने के लिए रखा तो परमेसन. दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चीज. इनके नाम लेना भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना एक साथ इस चीज को जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे मुंह में कैसे पूरा एक स्वाद रह जाता है. तो थोड़े नाम डिफिकल्ट है, थोड़े इजी है, मुझे भी डिफिकल्ट जाते हैं. तो जो आपको फटाफट याद हो वो याद कर लेना. मोजरेला, परमेसान, रिकोटा, फेटा, ब्लू वेन चीज, चेडार, कॉटन चीज, कॉटेज चीज एंड गोड चीज. जो आपको फटाफट याद हो वो याद कर लेना. गोडा चीज. नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्लाइड. Now, another most important dairy products, cheese सीख लिया. अब another most important dairy product is butter. Butter में भी दो टाइप हैं. एक होता है sweet cream and एक cultured. इन दोनों में difference क्या है? इन दोनों में difference है उनके salt content के ऊपर. Salt में, sweet में sweet होगा, cultured में salt होते हैं. माइक्रोब्स आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वेराइटी, वेर एज स्वीट क्रीम मतलब होम मेड है और वो फ्रेशली प्रिपेयर हो गया. और इसमें क्या होता है, कल्चर्ड वेराइटी को यूज करके जो माइक्रोब्स को यूज करके जो बटर बनता है वो कौन सा वेराइटी का होता है, कल्चर्ड का. इन योर टेक्स्ट बुक देर इज नॉट मच इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट बटर. सो दैट्स वाई यूर मोर फोकस. जो भी ये इतना ही है तो यू शुड बी मोर फोकस अबाउट चीज प्रोडक्शन फॉलोड बाय बटर. के बारे में इतना जान लो एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज योगर्ट. अब यहाँ पे जब मैं योगर्ट की शुरुआत कर रही हूँ सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि योगर्ट और दही सेम है. बिल्कुल नहीं, योगर्ट और दही में बहुत फर्क है. एंड यस, योगर्ट डिफरेंट टाइप के फ्लेवर के होते हैं, दही नहीं. ठीक है, अब योगर्ट का प्रोडक्शन देखते हैं. आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के इंट्रोडक्शन में देर इज वन डेयरी प्रोडक्ट दैट इज कैफिर. कैफिर इज बेसिकली अ मिल्क प्रोडक्ट विच इज रशियन बेस्ड. तो वो भी एक प्रोडक्ट है, उसका भी हम जब प्रोबायोटिक सीखेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कैफिर क्या है. अभी योगर्ट्स में क्या है, योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस दैट इज इनोक्यूलेंट. इनोक्यूलेंट मतलब वही सेम जामन और आइकन से विर्जन. फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट कंडेंस्ड मिल्क पाउडर इज मिक्स्ड विद द मिल्क टू बी फर्मेंटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए वो जो वॉर्म मिल्क था जो क्वालिटी कंट्रोल में पास हो गया उसको लेकर उसमें थोड़ा उसमें क्या डालते हैं, कंडेंस मिल्क डालते. क्यों? जिससे प्रोटीन कंटेंट जो मिल्क का है या प्रोडक्ट का होगा वो मेंटेन रहे. आगे बढ़े. मिल्क इज बॉइल किया, कंडेंस मिल्क डाला, उसको बॉइल किया वंस एंड इट कूल्स डाउन टू अ वार्म टेम्परेचर. वार्म टेम्परेचर पे गर्म में ही तो नहीं डाल दोगे इनोक्यूलेंट, क्या हो जाएगा,
कुछ असर नहीं होगा और बल्कि वो मर जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुस्की एंड ब्रुकी एंड एडिड इन 1:1 प्रोपोर्शन। लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुस्की आर एडेड इन 1:1 प्रोपोर्शन। सी दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नेम, इट ऑल सी बहुत डिफिकल्ट है, आप उनकी स्पेलिंग याद कर लेना एंड जैसे मैंने बताया वैसे लिखना। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस दैट मेक्स द प्रोटीन टू बी जेल आउट। जो प्रोटीन मिल्क में था उसका कॉगुलेशन करके पूरा एक जेल बना देगा, दैट गिव्स द कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट। नाउ आगे बढ़े, एसिटल्डिहाइड मतलब जो डेंस स्ट्रक्चर है योगर्ट का, इट इज ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस एंड वेयर एज जो टेस्ट है उसका, इट इज कमिंग फ्रॉम द इनोक्युलेंट और बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस विच इज गोइंग टू गिव यू अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू द योगर्ट एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। आगे चल के वो जो पायरुविक वो सब आगे देखा था ना हमने, आगे चल के का पायरुविक के बाद का जो प्रोडक्ट जो आगे की प्रोसेस जब बढ़ती है तो बनता है एसिटल्डिहाइड। Nowadays, various fruit juices are mixed with yogurt to impart a different flavor. मैंने क्या बोला था, दही में नहीं है, योगर्ट में आपको different flavor भी मिलेंगे। For example, strawberry yogurt, banana yogurt. See, if you, अगर आप मुझे believe नहीं कर रहे हो, I'm going to show you a one very interesting picture of this different type flavor of yogurt. एंड इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज। क्यों प्रोबायोटिक है योगर्ट? बिकॉज फर्मेंटेशन है, लैक्टोबैसिलस है, यही वो लैक्टोबैसिलस है जो आपके इंटेस्टाइन में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की को डिस्ट्रॉय कर देंगे और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। सो दैट्स वाई योगर्ट इज ऑल्सो कम इन टू द कैटेगरी ऑफ प्रोबायोटिक्स। और येस, उसकी इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव बाय द पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन क्या कर रहा था मिल्क का, वो क्या कर रहा था, मिल्क के हार्मफुल बैक्टीरिया को ख़त्म कर दे रहा था। तो साइड सी बात है, जो योगर्ट जो बचेगा, जो उस मिल्क से जो योगर्ट बनेगा, इट इज़ फुल ऑफ ओनली यूजफुल माइक्रोब्स और आई कैन से फुल ऑफ लैक्टोबैसिलस। उसमें डिलीट कौन हो चुका है, हार्मफुल, तो उससे क्या होगी, उसकी प्रोबायोटिक कैपेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। Now this is the summary of yogurt production. Collection किया 100% fresh liquid milk, फिर उसको store किया, उसको stabilization दिया, अच्छे से उसका quality test किया, फिर बढ़े fermentation की तरफ, मतलब inoculant को add किया, फिर cool किया, उसके बाद मिक्स फ्रूट्स फॉर एडेड फ्लेवर एंड न्यूट्रिएंट्स, फिर जो भी आपको फ्लेवर चाहिए वो आपने उसमें ऐड कर दिया, फिर पाश्चराइजेशन, क्यों, ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके, और उसके बाद पैकिंग एंड यस, इस प्रोडक्ट का भी क्वालिटी चेक होगा कि भाई अच्छा है तो मार्केट में रिलीज होगा। तो दिस आर द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप्स। पहले कलेक्ट करो, फिर दूध का क्वालिटी चेक करो, उसको अच्छे से देखो, उसको लाइट ट्रीटमेंट, सब अच्छे से हार्मफुल बैक्टीरिया को निकाल दो, फिर फर्मेंटेशन पे आओ, फर्मेंटेशन में मतलब इनोक्युलेंट गुड बैक्टीरिया को ऐड करो, यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया को निकाल दो, यहाँ पे गुड बैक्टीरिया को ऐड करो, मतलब इनोक्युलेंट लगा डाल दो, फिर उसको कूल करो, ये गुनगुने में ऐड किया था ना वार्म टेम्परेचर पे, फिर उसको कूल करो, फिर मिक्स कर दो, जो भी आपको डिज़ायर्ड आपका फ्लेवर है, जिसको आपको योगर्ट जोन्स कोई भी बनाना है, फिर थोड़ा सा उसको फिर से पाश्चराइजेशन किया जाएगा। पाश्चराइजेशन से क्या होगा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी एंड देन पैक कर दो और यार योर योगर्ट इज़ रेडी। एंड यस, मैंने आपको डिफरेंट फ्लेवर की बात की थी, तो ये रहे उसके डिफरेंट फ्लेवर, मिनी कोरिएंडर, ब्लूबेरी, बनाना चॉकलेट, हनी वेनिला, मैंगो एंड क्यूमिन स्पाइस। सो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ योगर्ट इज अवेलेबल इन मार्केट, तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि योगर्ट डिफरेंट फ्लेवर में मिलता है। नाउ एट द एंड, दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज प्रेजेंटेशन, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद प्रोबायोटिक्स। तो अब इस वीडियो में मैंने एक ये लास्ट मैंने लिखा है, स्ट्रिक्ट क्लीननेस एंड स्टरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, तीन चीज़ें होती है इसमें,
ये जो गाइडलाइंस है उसमें तीन चीजें, तीन एस्पेक्ट आप सोच के चलो। एक ट्रेंड, ट्रेंड मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी है उसका एक ट्रेडमार्क है कि ओके मार्केट में हम ऐसे हैं, तो उसके लिए भी वो मेंटेन करने के लिए भी गाइडलाइंस होनी चाहिए कि हमें, हमने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया। कमिंग टू दी मोरल, एक मोरल एस्पेक्ट होता है कि यस वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल दिस थिंग्स फॉर ह्यूमन मैनकाइंड, तो मैनकाइंड को यूज करना है आगे चल के, उनको कोई बीमारी नहीं हो, तो ये मेरे अंदर भी, मेरे अंदर भी एज ए प्रोड्यूस प्रोडक्शन में अगर मैं हूँ तो मेरे अंदर भी एक मोरल होना चाहिए कि आई शुड नॉट कोई उसमें ऐसी स्ट्रिक एक गाइडलाइंस फॉलो करूँ, क्लीननेस फॉलो करूँ, सो दैट आगे चल के कोई बीमारी ना हो। एंड यस लास्ट में होता है लीगल, जो भी कंपनी ऐसे प्रोडक्शन और ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स को बनाती है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ लीगल अथॉरिटीज, जो आके इंटरमीडिएटली वो बीच बीच में आके क्या चेक करती रहती है कि वेदर ये जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रॉपर एक एनवायरमेंट में हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर हाइजीन में नहीं हो रहा है, बिकॉज इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हैं, लैक्टोबैसिलस, ये सब कुछ क्या है, दे आर द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया पे अटैक कौन करता है बच्चों, वायरस। अब ये वायरस अगर आ जाएंगे तो वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे बैक्टीरिया, और हमें जो डिजायर्ड हमारी स्पीशीज हमने ऐड की थी वो चेंज हो जाएगी, वायरस रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज होंगे, और इससे आगे क्या होगा, इकोनॉमिक भी, इकोनॉमिकली भी जो प्रोडक्शन ये हो रहा है उस पर भी असर पड़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे असर पड़ेगा, एंड एट द एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर की हेल्थ पे। तो इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए वॉट एवर द प्रोडक्शन, वेदर इट इज एन एंटीबायोटिक डेयरी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्शन, और स्पेशली जब खाने की बात हो रही है, जब इसका डायरेक्ट कांटेक्ट होने वाला है इंसानों से, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट क्लीननेस और हाइजीन को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए इसमें लीगल अथॉरिटीज ने भी, इसमें बहुत सारे अथॉरिटीज ने भी बहुत इसमें अपना एक उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है कि नो यू हैव, अगर कोई प्रोडक्शन करता है तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखे कि स्ट्रॉन्ग एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए, सो दैट कंज्यूमर सेफ्टी विल शुड बी मेंटेन। सो दिस इज अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट, चीज़ प्रोडक्शन किया, बटर के बारे में थोड़ा सा जाना, और योगर्ट का। आपके एग्जाम में चीज़ और योगर्ट के एक पूरा एक फ्लो चार्ट बना लो, उससे देख लो कि कैसे प्रोडक्शन हुआ है, पाश्चराइजेशन क्या होता है, ये सारे वर्ड्स को इंक्लूड करो, एंड वॉट एवर द डाउट यू हैव प्लीज़ राइट इन योर कमेंट और यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो दिस इज अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट्स, इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द प्रोबायोटिक्स। थैंक यू।